नमस्कार। इम्पॉर्टेंट क्लासेस की इस कड़ी के अंदर आज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे हम जिससे कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप अक्सर कंफ्यूज रहते होंगे कि राउंड वार्म कॉर्न, हुक वार्म, टेप वार्म, पिन वार्म, यानी कि ये वार्म इन्फेस्टेशन, पैरासाइट्स का इन्फेस्टेशन, आंतों के अंदर पेट में कीड़े हो जाना, इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यहां पर हम सबसे पहले जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है अबाउट अमीबा। छोटी कक्षाओं में हमें पढ़ाया गया था अमीबा कुछ इस प्रकार से दिखता है, आपने देखा होगा बायोलॉजी के अंदर। ये कई प्रकार के कृमि पढ़ेंगे हम, गोल कृमि, फीता कृमि, ऐसे चपटे कृमि कौन से हैं वो सब। सो अमीबा से होने वाली बीमारी को हम कहते हैं अमीबियसिस। अमीबियसिस क्या है? अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। सो अमीबा कौन से प्रकार का वॉर्म है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना पिन वॉर्म। सो पिन वॉर्म कौन सा, तो बता देना है अमीबा। और इससे होने वाली डिजीजेस क्या क्या है, दस्त लगते हैं तो उसको हम कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री। डिसेंट्री में म्यूकस और ब्लड आ सकता है स्टूल के साथ और ये कहलाता है अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियसिस, या फिर इसका पूरा नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, तो इसीलिए हम इसको एंट अमीबियसिस भी कह सकते हैं। सो अमीबा पिनवॉर्म, अमीबा पिनवॉर्म आपको याद रखना है। और पूरा नाम क्या है, अमीबियसिस किसकी वजह से होता है, तो एक पैरासाइट है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। अभी हमें पूछा जाएगा अमीबियसिस के सिम्टम्स क्या होंगे, तो लगभग पेट में कीड़े पड़ना, वर्म्स, और वर्म्स पेट में होते हैं तो उसको कहते हैं इन्फेस्टेशन। इन्फेक्शन नहीं है ये, इन्फेस्टेशन है, वॉर्म इन्फेस्टेशन। तो इससे क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा या फिर ब्लडी डायरिया, ब्लड आएगा स्टूल में तो हम इसको डिसेंट्री कहेंगे। सो एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड ब्लडी डायरिया, ये कुछ सिम्टम्स है अमीबा के इन्फेक्शन के। अब अमीबा के बारे में आपको पूछा जाए तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट पूछा जाता है और वो टेस्ट है सेलोफेन टेस्ट या स्कॉच टेप प्रिपरेशन टेस्ट। क्वेश्चन में पूछा जाता है सेलोफेन टेस्ट या फिर स्कॉच टेस्ट। स्कॉच टेस्ट किस वर्म के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, तो डायग्नोसिस किस वर्म का है ये, तो आपको बताना है पिन वर्म का। पिन वर्म कौन, अमीबा। अब ये एक टेप होती है स्टिकिंग जैसी पट्टी जिसको सेलोफेन या स्कॉच टेप कहते हैं, ये बच्चे के रेक्टल एरिया के वहां लगाते हैं रात में, तो जो कीड़े पेट से बाहर आएंगे रेक्टम के थ्रू वो इस टेप पे चिपक जाएंगे, फिर इसका लैब में टेस्ट होगा, तो इसको कहते हैं हम सेलोफेन टेप या स्कॉच टेप टेस्ट। सो पिन वॉर्म के डायग्नोसिस में कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो आपको बता देना है स्कॉच टेप टेस्ट। स्कॉच टेप टेस्ट जनरली बच्चों में होता है, चिल्ड्रंस में पेट में कीड़े पड़ना एक कॉमन समस्या हो सकती है, इसको हम स्कॉच टेप टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, अब जब आपको पूछा जाए कि अमीबियसिस के अंदर हम कौन सी ड्रग्स देंगे, तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो आपने सुनी है, जो पैरासाइट्स के खिलाफ दी जाती है, वो कॉमन है और इसमें सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली दवा है मेट्रोनिडाजोल। टैबलेट मेट्रो 400 मिलीग्राम बीडी हम कई इन्फेक्शंस में देते हैं, या फिर टिनिडाजोल, टिनिडाजोल भी यूज किया जाता है। लगभग सभी वर्म इन्फेस्टेशन के ट्रीटमेंट में ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगी। सो पिनवॉर्म अमीबा, अमीबा का जांच का टेस्ट का नाम है स्कॉच टेप टेस्ट, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट, एक और वॉर्म, ये ऐसा हुक जैसा वॉर्म नजर आता है और
इसको हम कहते हैं हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन। हुक वॉर्म का इन्फेक्शन जब हो जाए तो क्या होगा, और ये हुक वॉर्म हमने पढ़ा है एनीमिया कर सकता है, कीड़े पेट में से खून चूस लेते हैं और लंबे टाइम तक ऐसा इन्फेक्शन रहने से एनीमिया की शिकायत भी हो सकती है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हुक वॉर्म का नाम क्या है, बताइए जरा हुक वॉर्म कौन सा वॉर्म हुक वॉर्म कहलाता है। यस शाबाश। सो आपको याद रखना है यहां पर इसका नाम है एंकाइलोस्ट्रोमा ड्यूडेनल। एंकाइलोस्ट्रोमा ड्यूडेनल नाम से ऐसा पता चल रहा है कि ये ड्यूडेनम में रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। सो एंकाइलोस्ट्रोमा ड्यूडेनल हुक जैसा है, इसलिए इसको हम कहते हैं हुक वॉर्म, और ये एनीमिया के लिए जिम्मेदार है। लंबे टाइम तक पेट में कीड़े खून चूसते रहेंगे, पाचन कमजोर हो जाएगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा, तो क्या हो सकता है एनीमिया। यह है हुक वॉर्म का इन्फेस्टेशन। सो यहां पर हमें याद रखना इसके सिम्टम्स क्या होंगे। ये इचिंग करेगा, जहां से ये एंटर करेगा वहां इचिंग, और आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये एंट्री कहां करेगा। ये हमारे शरीर में पैरों के थ्रू, या कोई घाव है, नंगे पांव चल रहे हैं जहां गंदगी फैली हुई है, छोटे छोटे बच्चों ने यहां पर स्वच्छ भारत को अस्वच्छ कर रखा, आपका पैर आया यहां पर और ये कीड़ा स्किन में डायरेक्ट पेनेट्रेट कर सकता है, तो उस इलाके पर जहां से ये कीड़ा शरीर में गया है वहां इचीनेस होगी, खुजली आएगी, लोकलाइज रैश या लाल लाल चकता बन सकता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है फिर एक बार सिस्टम में आ जाएगा तो ये एब्डोमेन में चला जाएगा, फिर एब्डोमिनल पेन होगा। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि इस बीमारी का मुख्य कारण या रिस्क फैक्टर क्या है, कब ये बीमारी होती है, तो आपको याद रखना है बेयर फुट चलना, नंगे पांव चलना, जब बिना जूतों के हम चलते हैं वार्म क्लाइमेट में जहां पुअर सैनिटेशन है, गंदगी वाला इलाका है, और फिर ये पैरों के घाव के थ्रू ये आपके ब्लड में आ जाता है। सो क्वेश्चन पूछा जाए कि पुअरली सैनिटाइज्ड गंदगी वाले इलाकों में बेयर फुट यानी कि नंगे पांव चलने से कौन से वार्म इन्फेस्टेशन का खतरा ज्यादा, तो आपको याद रखना है हुक वार्म इन्फेस्टेशन। अब इसके अलावा यहाँ पर डायग्नोसिस में जो भी वार्म इन्फेस्टेशन है तो सैंपल क्या लेंगे, हम स्टूल का ही सैंपल लेंगे, और यहाँ प्रिवेंशन का क्या तरीका है, जो कारण है उसको रोकेंगे, तो आपको एडवाइस करना है नॉट वॉकिंग बेयर फुट, यानी कि घर से बाहर निकलते टाइम नंगे पांव नहीं जाना है उन इलाकों में जहाँ साफ सफाई नहीं है, और साफ सफाई नहीं है क्यों, क्योंकि लोग आउटडोर डिफिकेशन करते हैं, खुले में शौच करते हैं, तभी ये पेट में से कीड़ा वापस एनवायरनमेंट से वापस दूसरे लोगों के शरीर में, तो स्टॉपिंग ओपन या आउटडोर डिफिकेशन। स्वच्छ भारत अभियान भी यही पहल कर रहा है, खुले में शौच मना कर रहे हैं लोगों को, लेकिन इंडिया में लोग मानते ही नहीं, ताजी हवा लेने के लिए खुले में चले जाते हैं और ये पेट के कीड़े बाहर छोड़ देते हैं, तो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है क्योंकि ये एनीमिया कर सकता है, इसलिए हम ट्रीटमेंट में क्या देंगे, आयरन सप्लीमेंट, फॉलिक एसिड और आयरन के सप्लीमेंट्स। बाकी पेट में कीड़े स्पेशली हुक वॉर्म के लिए मेनली जो ड्रग्स देखते हैं अपन वो है एल्बेंडाजॉल। टैबलेट एल्बेंडाजॉल 400 मिलीग्राम एचएस सोते टाइम बेड टाइम पे और आसामिनी, और ये आजकल स्कूल में भी कृमि नाशक दिवस मनाते हैं अपन। पेट में कीड़े मारने के प्रोसेस को हम कहते हैं डीवॉर्मिंग, जो ये वॉर्म होता है इसको खत्म करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं डीवॉर्मिंग, और डीवॉर्मिंग के लिए पेट में कीड़े मारने की दवा दी जाती है। अगस्त और फरवरी में दो बार ये अभियान चलाया जाता है, क्योंकि डायरियल डिजीज कंट्रोल करने का एक तरीका है कि पेट में कीड़े मार दो, डीवॉर्मिंग करो, तो स्कूल चिल्ड्रंस में विशेष तौर से आंगनवाड़ी और स्कूल्स के साथ मिलकर इंटेंसिफाइड डायरियल डिजीज कंट्रोल फोर्टनाइट एक पखवाड़ा मनाया जाता है। 10 फरवरी को नेशनल राउंड होता है और फिर अगला राउंड होता है अगस्त में। तो इस प्रकार से यहां पर गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है हुक वॉर्म को कंट्रोल करने की, और एल्बेंडाजॉल दिया जाता है, इसके साथ साथ मेबेंडाजॉल भी दिया जा सकता है।
तो ये था हुकवॉर्म, नाम याद रखना आपको हुकवॉर्म का, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल। रिस्क फैक्टर है गंदगी वाले, साफ सफाई के अभाव वाले जगहों पे नंगे पांव चलने से ये कीड़ा स्वच्छ भारत में आकर आपके एक शरीर तक जा सकता है। आगे देखिए ये टेप वॉर्म कौन सा वॉर्म है। टेप वॉर्म के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा इस वॉर्म के बारे में। टेप वॉर्म चपटा कृमि होता है, ये फीता कृमि टाइप जिसको हम टेप वॉर्म कहते हैं। और टेप वॉर्म कौन सा है तो आपने सुना होगा टीनिया, तो आपने सुना होगा टीनिया। और ये टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा क्या है, ऐसा आपको पूछा जा सकता है। तो यहां पर जस्ट कंसंट्रेट करिए, ये टॉपिक नॉर्मल जगह नहीं पढ़ाए जाएंगे, सिर्फ जहां एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं वही इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है ये फैसला करना, सिलेबस में शामिल टॉपिक्स को करना वो एक्सपर्ट्स करते हैं। तो आपको याद रखना ये है टीनिया, टीनिया सोलियम, और ये जो कि कॉमन टेप वॉर्म है टीनिया सोलियम, इसको हम पोर्क टेप वॉर्म भी कहते हैं। पोर्क के मीट में होता है ये, सुअर के मीट में, इसलिए इसको हम पोर्क टेप वॉर्म भी कहते हैं। सो पोर्क टेप वॉर्म कौन, तो आपको बताना है टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। और टीनिया सोलियम जो है वो तो टेप पोर्क वॉर्म, और एक है टीनिया सेजिनेटा, तो जो बीफ मीट में पाया जाता है, बीफ मतलब जो गोधन होता है, गाय भैंस बछड़ा बैल इत्यादि, उनके शरीर में ये पाया जाता है। तो बीफ टेप वर्म कौन सा, तो आपको बताना है टीनिया सेजिनेटा। और पोर्क टेप वर्म कौन सा, तो आपको बताना है टीनिया सोलियम। सो अधपका इन्फेक्टेड मीट खाने से भी ये इन्फेक्शन हो जाता है, टीनिया का इन्फेक्शन। और भारत में ये काफी विवादित है बीफ या पोर्क के बारे में बात करना, तो फिलहाल हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही याद रखेंगे। तो ये पैरासाइट्स जो होते हैं इनकी एक फैमिली है, एक क्लास है जिसको हम कहते हैं सिस्टोडा। आपने सिस्टोड्स निमेटोड्स ऐसा छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। सो ये चपटे कृमि जो होते हैं, फ्लैट कृमि जो होते हैं, इनका सिस्टोडा क्लास से बिलोंग करता है ये टेपवॉर्म टीनिया। इसके साथ साथ इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, तो ज्यादातर टाइम आपको याद रखना है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डायरिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना। लॉस ऑफ एपेटाइट को हम कहते हैं एनोरेक्सिया। और ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है टीनिया के। रेयरली क्या होगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस कर सकता है। कई बार पेट में बहुत कीड़े निकले, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया, ऑपरेशन किया और बाद में अखबार में आता है कि इस आदमी के पेट से इतने कीड़े निकले, कैसे? तो आप याद रखना रेयरली द वर्म्स मे कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन द इंटेस्टाइन। और कभी कभार तो क्या होगा, दिस टीनिया सोलियम का लार्वा जो होगा दैट कैन माइग्रेट इनटू ब्रेन, और ये ब्रेन में चला जाएगा कीड़ा, आपको सिटी स्कैन में नजर आएगा, एमआरआई में नजर आएगा ब्रेन में कीड़े। तो लोग जो बातें करते हैं ना, इसके तो दिमाग में कीड़े हैं, इसके तो असली में ही दिमाग में कीड़ा हो जाएगा। और कौन सा कीड़ा, टीनिया सोलियम। और इससे हेडेक होगा, सीजर्स आने लग जाएंगे और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है। और आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब टीनिया का लार्वा ब्रेन को इन्फेक्ट कर देता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टीनिया नॉर्मली तो एक डायरिया या एब्डोमिनल पेन करता है, रेयरली इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बन सकता है, और वेरी रेयरली ये ब्रेन तक पहुंच सकता है, तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या सीजर डिसऑर्डर्स कर सकता है, मिर्गी आने लग सकती है। और जब टीनिया ब्रेन को इन्फेक्ट कर देता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं, यस आपको आंसर देना फटाफट से, तो आपको उस कंडीशन का नाम बताना है न्यूरोसिस्टोसार्कोसिस। न्यूरोसिस्टोसार्कोसिस क्या है, तो आपको याद रखना है टीनिया की वजह से ब्रेन का इन्फेक्शन, ये जो लार्वा है टीनिया का, टीनिया सोलियम का, ये ब्रेन को इन्फेक्ट कर देता है। अब यहां पर हमने टेप वर्म के बारे में भी पढ़ लिया, आगे देखते हैं एस्केरिस।
ये सुंदर सा इस तरह की सजावट वाला एस्केरिस आपने बनाया होगा कई बार 12वीं की या 10वीं की लॉग बुक्स में। एस्केरिस की वजह से होने वाली बीमारी को हम एस्केरियसिस कहते हैं। एस्केरियसिस, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड एक राउंड वॉर्म है, जैसा आपको लग रहा राउंड वॉर्म, ये निमेटोड्स कैटेगरी में आता है। और इस राउंड वॉर्म का जो फाइलम है वो है निमेटोडा, और साथ साथ आप उसका पूरा नाम देखें तो आपको याद रखना है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की वजह से एस्केरियसिस होता है। राउंड वॉर्म एस्केरिस, पिनवॉर्म अमीबा, हुकवॉर्म एंड हुकवॉर्म एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, फ्लैटवॉर्म तो आपको याद रखना है टेप वॉर्म के अंदर टीनिया, पोर्क के अंदर टीनिया सोलियो, टीनिया सेजिनेट। अब यहां पर एस्केरियसिस में क्या होगा, एब्डोमिनल स्वेलिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, इवन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि एब्डोमिनल लार्ज हो गया, एब्डोमिनल एनलार्ज हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज्यादातर सभी वॉर्म इन्फेस्टेशन में सिम्टम्स है एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया, पेट में कीड़े पड़ने का। और यदि हम देखें इसका कॉज क्या है, तो जो एस्केरिस के अंडे हैं वो एनवायरनमेंट में आते हैं, मक्खियों वगैरह से ये हमारे खाने पीने की वस्तुओं पे आ जाते हैं, और ये दूषित खाना हम खा लेते हैं तो ये अंडे एस्केरिस के हमारे पेट में चले जाते हैं, और फिर ये लार्वा ग्रो करने लगता है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से एस्केरियसिस हो जाएगा। तो एस्केरिस के अंडे खाना, मतलब ऐसे सीधे कोई अंडे नहीं खा रहा, ये जब व्यक्ति स्टूल पास करेगा तो उसमें एस्केरिस के एग्स होंगे, लार्वा होगा, वो फ्लाई से फूड या पानी तक पहुंच सकते हैं, दूषित कर देंगी मक्खियां, और ये हमने खा लिया बिना ढके रखा हुआ खाना, तो ये एस्केरिस के अंडे दूषित खाने पीने की वस्तुओं के साथ ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाते हैं, और उसकी वजह से एस्केरियसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। सो आपको याद रखना है यहाँ पर प्रिवेंशन कैसे करें, सैनिटेशन, हैंड वॉशिंग, और खाने पीने की वस्तुओं को ढक के रखना, और इसके साथ साथ अच्छा हाइजीन मेंटेन करना। बाकी मेडिकेशन तो वही है, एंटीमाइक्रोबियल, एल्बेंडाजॉल और मेबेंडाजॉल। सो एस्केरिस राउंड वॉर्म्स, एस्केरिस राउंड वॉर्म्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमने इन वॉर्म्स में अक्सर देखा है कि ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं करते, पर कुछ बड़ी बीमारियां जो सिस्टेमिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और एग्जाम में कई बार उनमें से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपको, हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट, जब हमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है फाइलेरियासिस, फाइलेरिया का कारण कौन सा पैरासाइट है, और ये फाइलेरिया, जैसे मलेरिया सुना है आपने, मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, और फैलता कैसे है तो आपको याद रखना, फीमेल एनोफिलीज, मच्छर से फैलता है। इसी तरह से फाइलेरिया कैसे फैलता है, बताइए जरा, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फाइलेरिया का, यस। तो यहां पर आपको याद रखना, ये भी एक राउंड वॉर्म से ही फैलता है, जो कि फाइलेरियोडी टाइप का होता है, और इनको अपन हेलमिंथ्स भी कहते हैं। हेलमिंथ्स ये जो पतले कीड़े होते हैं, और इनका जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन कहलाता है हेलमेंथियसिस, हेलमेंथियसिस। सो इस वर्म का नाम क्या है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो वर्म है, ये जो फाइलेरिया फैलाता है, ये लिम्फेटिक फाइलेरियसिस कर सकता है, या फिर ये आई रिलेटेड या स्किन रिलेटेड फाइलेरियल डिजीज कर सकता है। तो फाइलेरिया एक लिम्फेटिक डिजीज है, जो कि कॉमनली देखी जाती है वो, और ये किस मच्छर से ट्रांसमिट होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है ये क्यूलेक्स मॉस्किटो से, क्यूलेक्स मॉस्किटो से। क्यूलेक्स कौन सा मॉस्किटो था, जो मैंने आपको जापानीज एंसेफेलाइटिस में बताया था, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो इसको कहाँ फैलाता है, अर्बन इलाकों, जो शहरी इलाके हैं उसमें लिम्फेटिक फाइलेरिया कौन सा मच्छर फैलाता है, तो आपको बताना है क्यूलेक्स। लेकिन जो नगरीय इलाके हैं, सेमी अर्बन, उपनगरीय,
जो उपनगरीय इलाके हैं, सेमी अर्बन छोटे कस्बे हैं, वहां कौन फैलाता है ये? तो यही मलेरिया वाला मच्छर याद रखना है आपको, एनोफिलीज मॉस्किटो, ये भी फाइलेरिया फैला सकता है। लेकिन रूरल एरिया के अंदर मेनली कौन, तो आपको याद रखना एनोफिलीज। तो अर्बन एरिया के अंदर तो क्यूलेक्स, और सेमी अर्बन में भी क्यूलेक्स और एनोफिलीज जो है वो कहां फैलाएगा? नगरीय या ग्रामीण उपनगरीय या ग्रामीण इलाकों में कौन फैलाएगा? एनोफिलीज मॉस्किटो। और जो महामारी होती है जहां पर पानी भरा हुआ रहता है, आइलैंड्स कहते हैं उनको, जो द्वीप होते हैं आइलैंड्स, वहां पर कौन फैलाता है? तो आपको याद रखना एडीज। और ये एडीज एजिप्टी कौन सा मच्छर है जिससे हमने डेंगू चिकनगुनिया में पढ़ा था। तो इतना कॉम्प्लेक्स याद रखना ही नहीं है आपको, फाइलेरिया मतलब क्यूलेक्स मॉस्किटो, अर्बन एरिया के अंदर क्यूलेक्स मॉस्किटो ही ये फैलाता है, ये आपको सिंपल भाषा में याद रखना। ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण इलाकों में कौन? एनोफिलीज मलेरिया मतलब मच्छर। और डीप या आइलैंड जो है जहाँ एंडेमिक रहती है बीमारी, एंडेमिक मतलब लोकली रहती है जो बीमारी, उसको कौन फैलाता है? एडीज। सो क्यूलेक्स मॉस्किटो लिम्फेटिक फाइलेरिया फैला देता है। सो यहाँ पर जो हम अक्सर देखते हैं फाइलेरिया के, अभी तक ह्यूमन बीइंग के अंदर 8 से भी ज़्यादा निमेटोड्स पाए जाते हैं जो बीमारी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक कोई नाम याद रखना हो और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में कुछ इस प्रकार का पाम हो जाता है, सुना है आपने ये एलिफेंटियासिस, इसी को कहते हैं हम हाथी पाम, हाथी पाम। ये लिम्फेटिक फ्लो को बंद कर देता है, इस प्रकार का ओवर ग्रोथ हो जाता है। ये है एक पैर का, ये इसका दूसरा पैर देखिए, बेहद भयानक हो सकता है। इवन फिंगर्स में देखिए आप, एक अंगूठा और एक उंगली या बाकी इन्फेक्टेड उंगली कैसे हो जाती है, दूसरी छोटी वाली लगती है और नॉर्मल हाथ तो कुछ इस प्रकार का लगता है। इवन ये टेस्टिस में भी हो सकता है, आईज में होता है, वो फाइलेरिया अलग है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सो हाथी पाँव या एलिफेंटियसिस को ही हम लिम्फेटिक फाइलेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का कॉज कौन है? तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर कई प्रजातियां हैं किसकी, तो आपको याद रखना वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, वाउचेरिया की बैनक्रॉफ्टी स्पेसीज। सो फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय वाउचेरिया, वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी। इसके अलावा भी कई और प्रजातियां हैं जैसे ब्रुगई मलाई या फिर ब्रुगई टिमोरी, लेकिन आपको अक्सर एग्जाम में जो ऑप्शन मिलेगा वो वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी ही मिलेगा। लेकिन कई और प्रजातियां जैसे ब्रुगई मलई या ब्रुगई टिमोरी भी फाइलेरिया कर सकती है। अब हम देखें, सो ये तीनों वॉर्म, वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ब्रुगई मलई या ब्रुगई टिमोरी, ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाते हैं, लिम्फ नोड्स के अंदर, और क्रॉनिक डिजीज करते हैं, और इसकी वजह से जो सिंड्रोम होता है हाथी पांव जैसा पांव हो जाना, ये कहलाता है एलिफेंटियासिस, हाथी पांव। अब काफी हद तक ये बीमारी कंट्रोल में आ चुकी, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइलेरियासिस के डायग्नोसिस में कौन सा टेस्ट करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है फाइलेरिया के अंदर, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ फाइलेरिया। बताइए जरा डायग्नोसिस के बारे में स्पेसिफिक पॉइंट। ब्लड सैंपल लिया जाएगा, गुड। कहां से लिया जाएगा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या ये कैपिलरी ब्लड होगा या वीनस ब्लड होगा। फिर ये पूछा जाएगा ये दिन में लिया जाएगा कि सैंपल रात में लिया जाएगा, और ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। तो आपको क्वेश्चन याद रखना है इसमें कि जो ब्लड सैंपल लिया जाता है वो होता है नॉक्टर्नल ब्लड एग्जामिनेशन, यानी कि विशेष तौर से रात के समय में सैंपल लिया जाता है, क्योंकि उसी वक्त इसके लार्वा ब्लड में आते हैं, बहुत ही शातिर लार्वा। और करते कैसे हैं ये, कोई वीनस ब्लड नहीं लिया जाता, फिंगर प्रिक टेस्ट होता है, और जैसे अपन डायबिटीज में शुगर चेक करते हैं या हीमोग्लोबिन चेक करते हैं,
ऐसे ही यहाँ पर भी नॉक्टर्नल ब्लड एग्जामिनेशन में फिंगर प्रिक टेस्ट करके कैपिलरी ब्लड लिया जाता है, किसके डायग्नोसिस में, फाइलेरिया, लिम्फेटिक फाइलेरिया के डायग्नोसिस के अंदर। साथ साथ आपको याद रखना है यहाँ पर कि एल्बेंडाजॉल 400 मिलीग्राम आइदर विथ एवरमेक्टिन, ये एंटी पैरासाइटिक है, और एवरमेक्टिन को कोविड 19 में भी उपयोगी माना और ट्राई किया गया था। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, उसके बाद रेमडेसिविर, और इसके बाद आइवरमेक्टिन को भी ट्राई किया कोरोना के इन्फेक्शन में। सो आइवरमेक्टिन 150 टू 200 माइक्रोग्राम पर केजी। लेकिन आपको पूछा जाए कि मेन ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आपको बताना है डीईसी। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है फाइलेरिया के केसेस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आपको बताना है डीईसी। और डीईसी क्या है, तो डाइथाइल कार्बामेजीन सिट्रेट डीईसी, याद रख लेना। और इसकी डोज क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको बताना है 6 मिलीग्राम पर केजी। सो ड्रग ऑफ चॉइस इन फाइलेरिया इज डीईसी, डाइथाइल कार्बामेजीन। टेस्ट कौन सा करेंगे, नॉक्टर्नल ब्लड एग्जामिनेशन, फिंगर प्रिक टेस्ट, कैपिलरी वाला ब्लड लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि पैरासाइट की ब्लड में एक्टिविटीज नाइट के वक्त ही होती है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि भारत सरकार ने इस हाथी पांव की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम चलाया है बहुत पहले से ही, इनफैक्ट आज़ादी के बाद से ही। तो आपको याद रखना है कब से, तो बताना है 1955। नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 1955। लेकिन शुरुआत में सिर्फ अर्बन इलाकों में ही ये प्रॉब्लम्स थी, शहरी इलाकों में ही था। और रूरल में ये कब लॉन्च हुआ, तो आपको याद रखना है रूरल में ये एक्सटेंड कर दिया गया 1994 में, यानी कि शुरू में तो ये शहरी इलाकों में ही था, 1955 में लॉन्च हुआ, और ग्रामीण इलाकों में कब एक्सटेंड करा इसको, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को, तो 1994 के अंदर। अब हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स पता चला, लेकिन कई बार एग्जाम में आपने क्वेश्चन सुना होगा लोवा फाइलेरियासिस, ये हमने मिस्टर लोवा तेरी आंखों का जादू ऐसा एक गाना सुना होगा। लेकिन यहाँ पर लोवा फाइलेरियासिस कौन सी फ्लाई से ट्रांसमिट होता है, ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता। क्या होता है ये लोवा फाइलेरियासिस, कौन सा ऑर्गन इसमें अफेक्ट होता है। कई बार फोटो आता है ऐसे आंख के अंदर कीड़ा, गोभी मत खाओ, गोभी का कीड़ा इसके आंख में चला गया, ये पड़ा दिख रहा है ऐसे। सो यहाँ पर सबक्यूटेनियस फाइलेरियासिस हो सकता है, जो स्किन के नीचे है, या इवन आईज के अंदर भी हो सकता है। और इसके अंदर आपको याद रखना है अलग अलग पैरासाइट के नाम। So, subcutaneous filariasis is caused by lova, जिसको हम कहते हैं आई वर्म, बोलचाल की भाषा में आई वर्म। लेकिन इसकी स्पेसीज का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है मैंसोनेला स्ट्रेप्टोसर्का, और दूसरी जो स्पेसीज है वो है ऑंकोसर्का वल्वोलस। तो आपको लोवा एटलीस्ट नाम से याद रख लेना। अब दीज वर्म्स जो है ये कीड़े स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस लेयर में रहते हैं, और जो फैटी लेयर है उसमें ये कीड़े पड़े रहते हैं। अब इसकी वजह से कई बार लोवा जो कीड़ा है वो किस फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट होता है, ये आपको पूछा जा सकता है। जैसे हमने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में पढ़ा क्यूलेक्स मॉस्किटो, लेकिन यहाँ पर ये लोवा है तो डियर फ्लाई, जैसे अपन डियर लवली लोवा ऐसे वर्ड्स याद रखेंगे तो माई डियर फ्लाई है ये। जैसे हम अक्सर आप लोगों को कहते हैं माई डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, तो ऐसे ही आपको याद रखना है लोवा फाइलेरियासिस का वेक्टर, यानी कि कौन सी फ्लाई इसको फैलाती है, तो उस फ्लाई का नाम है डियर फ्लाई।
कई बार ये सीरस कैविटीज, जहाँ सीरम रहता है वो कैविटीज के अंदर पहुंच सकता है, वो फाइलेरिया। और इसका भी आपको नाम यदि याद रहे तो कोशिश करना याद रखने की, इसको कहते हैं सीरस कैविटी फाइलेरियासिस, दैट इज कॉज्ड बाय मेंसोनेला परसिस्टेंस। ये मेंसोनेला का पैरासाइट भी आपको फाइलेरिया के लिए ही याद रखना है, वो वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी तो रखना ही रखना है, लेकिन मेंसोनेला भी फाइलेरिया की ही प्रजाति है। तो मेंसोनेला परसिस्टेंट एंड मेंसोनेला ओजार्गी। अब यहाँ पर सीरस कैविटी का फाइलेरियासिस भी हो सकता है। तो फाइलेरियासिस में मेनली हाथी पांव यानी कि लिम्फेटिक कैविटीज का ही होता है ये, लेकिन मैंने आईज का भी बता दिया आपको डियर फ्लाई से, और इवन सीरस कैविटी में भी ये पाया जा सकता है। कई क्वेश्चंस आपको काला आजार पे भी पूछा जा सकता है, जैसे डियर फ्लाई थी ऐसे काला आजार के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, ये कौन से पैरासाइट से होता है और इसको फैलाने वाली फ्लाई का नाम क्या है। तो काला नाम से पता चल रहा है, काला यानी कि ब्लैक आजार यानी कि बीमारी, और इसको ब्लैक फीवर भी कहते हैं, ब्लैक फीवर। और ये काला आजार या ब्लैक फीवर इज कॉज्ड बाई लेस्मेनिया डोनोवनी। सो आपको याद रखना है काला आजार का कारण क्या है, पैरासाइट्स का नाम है लेस्मेनिया डोनोवनी। और ये फैलता कैसे है ये भी आपको याद रखना है, ये है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई की बाइट से काला आजार फैलता है, ये क्वेश्चंस कई बार आए हुए क्वेश्चंस है। अब इसके होता क्या है, काला आजार लेस्मेनिया डोनोवनी की वजह से होता है, इसलिए हम इसको लेस्मेनियासिस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेस्मेनियासिस। जैसे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस था वैसे ही आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछ ले कि लेस्मेनियासिस किससे स्प्रेड होता है तो भी आपको बताना है सैंड फ्लाई। और ये हमारे विशेष तौर से जीआई सिस्टम के ऑर्गन्स जैसे लीवर या स्प्लीन को अफेक्ट करता है और बोन मैरो को अफेक्ट करता है, ये घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो SSG, ये SSG कमांडोज नहीं है, ये है सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट और साथ साथ कॉमनली जो दिया जाता है वो है एम्फोटेरेसिन बी। एंटीमाइक्रोबियल्स एजेंट्स के अंदर एम्फोटेरेसिन बी काला आजार के ट्रीटमेंट में दिया जाता था। सो काला आजार लेस्मेनिया डोनोवनी स्प्रेड बाय सैंड फ्लाई बाइट्स और स्प्लीन लिवर और बोन मैरो को अफेक्ट करता है। अब इसके अलावा जो विसरल लेस्मेनियासिस था, विसरा मतलब लिवर और स्प्लीन जब अफेक्ट होंगे, और यही है वो माय डियर फ्लाई नहीं, ये सैंड फ्लाई। कौन सी फ्लाई है, सैंड फ्लाई लेस्मेनिया डोनोवनी को फैलाने वाली। तो इस तरीके से एब्डोमिनल एनलार्जमेंट या स्किन पे इस प्रकार के नोड्यूल बन सकते। विसरल मतलब जब ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा विसरा ऑर्गन्स, तो एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन और लिवर होगा, हिपेटोमेगेली स्प्लीनोमेगेली नाइट स्विच होगा, सीवियर टेम्परेचर होगा, और इसके साथ साथ ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लैकनिंग ऑफ द स्किन हो सकती है, स्केली यानी ऐसे छट्टे आ सकते हैं, इसलिए काला पड़ने लगता शरीर, इसलिए इसको काला आजार कहते हैं। तो मेनली काला आजार क्यों, क्योंकि डार्क एंड एशन स्किन, एश कलर की यानी कि राख जैसी स्किन होने लग जाती, त्वचा काली पड़ने लग जाती, इसीलिए इसको नाम पड़ा काला आजार। कफ वीकनेस भी होगा और काफ़ी हद तक वेट लॉस हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगी, सब्सटेंशियल वेट लॉस नजर आएगा पेशेंट के अंदर। तो ये तो सिम्टम्स थे लेस्मेनियासिस यानी काला आजार। ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज जिसको हम ड्रैकुनकुलियासिस आजकल ये डिजीज नहीं देखी जा रही है, लेकिन इस तरह से आपने नारू बाला रोग सुना होगा पहले जब आप बचपन में छोटे थे तब, और इसको हम गिनी वॉर्म डिजीज भी कहते हैं। गिनी वॉर्म कौन, तो आपको याद रखना ये गिनी वॉर्म ऐसे नारू बाला कृमि जो होता था ऐसा लंबा फोड़ा हो जाता था और ऐसे खींच के इस वॉर्म को बाहर निकालते थे, और ये बेसिकली ऐसे दूषित पानी में जहां इस वॉर्म के लार्वा थे
पुराने जमाने में ये ज्यादा होता था क्योंकि पीने के पानी को स्वच्छ पीने का पानी कम लोगों को मिल पा रहा था. तो बेसिकली पर्सन बिकम्स इन्फेक्टेड व्हेन दे ड्रिंक वाटर दैट कंटेन्स दिस फ्ली इन्फेक्टेड विद गिनी वॉर्म लार्वा. और गिनी वॉर्म डिजीज ही ड्रैकोनकुलियसिस है. और अब ये डिजीज भारत से खत्म हो चुकी है, ये इरेडिकेटेड डिजीज की लिस्ट में है. गिनी वॉर्म्स जो है वो एलिमिनेट हो गया है भारत से. सो गिनी वॉर्म डिजीज पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आपको नारूबाला रोग याद है, राजस्थान में भी काफी पाया जाता था ये. और इस तरीके से गांव में से ये कीड़ा बाहर निकालने के कुछ एक्सपर्ट्स लोग भी हुआ करते थे. सो ड्रैकोनकुलियसिस के अंदर हमें याद रखना है इनिशियली देयर इज नो सिम्टम्स. और ये एक आध साल बाद ये फीमेल वॉर्म जो है ये ज्यादातर टाइम लोअर लिम्ब में एक पेनफुल फोड़ा बनाता, ब्लिस्टर बनाता और उससे ये बाहर निकलने लगता. और अदर सिम्टम्स क्या होंगे, वॉमिटिंग, डिजीनेस इत्यादि. और साथ साथ यदि हम देखें तो वॉर्म इमर्जेस फ्रॉम द स्किन ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू वीक्स और बाहर निकलने के बाद वो कीड़ा ऐसा दिखेगा. ड्यूरिंग दिस टाइम इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू वॉक, ये पैर में बहुत ज्यादा पेन होगा, दर्दनाक होता है ये फोड़ा, काफी सूज जाता है पैर. और इट्स वेरी अनकॉमन दैट डिजीज मे कॉज डेथ. डेथ नहीं होती लेकिन काफी सफरिंग होती है. और कीड़ा एक बार निकल गया तो ये ठीक हो जाता है. लेकिन इस ड्रैकोनकुलियसिस के अंदर जो कीड़ा ये बीमारी इंसानों में करता है उस कीड़े का नाम है ड्रैकोनकुलस मेडिन मेडिनेंसिस. ड्रैकोनकुलस मेडिनेंसिस गिनी वॉर्म तो बोलचाल में इसको कहते हैं गिनी वॉर्म डिजीज. लेकिन कीड़े का नाम क्या है तो आपको याद रखना इस वॉर्म का नाम है ड्रैकोनकुलस मेडिनेंसिस. और मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने इस बीमारी के बारे में सुना होगा. और ट्रीटमेंट के तौर पे मेट्रोनिडाजोल और थियाबेंडाजोल यूज की जाती है पैरासाइट्स के खिलाफ. साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं. नेशनल गिनी वॉर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है वो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू करा था क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ये काफी बड़ी समस्या थी. गिनी वॉर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम कब शुरू हुआ ये आपको पूछे तो आपको बताना है 1983-84 के अंदर. और एलिमिनेट हो गया है इसके प्रयासों को देखते हुए क्योंकि लास्ट केस जो गिनी वॉर्म का रिपोर्ट हुआ था भारत के अंदर वो कब हुआ तो आपको याद रखना है 1996 के बाद से केस नहीं रिपोर्ट हुआ. इसीलिए WHO ने द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्टिफाइड दैट दिस डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड, उन्मूलित हो गई है, जड़ से खत्म हो गया है इस बीमारी का. Declares India was guinea worm disease free country. लेकिन WHO ने भारत को गिनी वॉर्म मुक्त देश कब घोषित करा ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता. तो भारत सरकार ने 1983-1984 में प्रोग्राम शुरू करा, उसके अच्छे नतीजे दिखाई दिए. 96 को लास्ट केस आया, उसके बाद केस नहीं आए. जनरली WHO 2 साल का ऑब्जर्वेशन पीरियड लेता है लेकिन यहाँ पर 4 साल का. और साल 2000 में WHO ने सर्टिफाई कर दिया कि इंडिया इज पोलियो, इंडिया इज गिनी वॉर्म डिजीज फ्री कंट्री. और पोलियो भी भारत से एलिमिनेट हो गया है. अब यहां पर लास्ट पॉइंट के तौर पे मैं एक क्वेश्चन पूछा बता देता हूं. यहां पर रेबीज अ जूनोटिक डिजीज. जूनोसिस जू क्या होता है, चिड़ियाघर. जू के अंदर कौन रहते हैं, पशु, एनिमल्स. और एनिमल्स से जो डिजीज ह्यूमन में आने लगी है उनको हम जूनोटिक डिजीज कहते हैं. उस प्रोसेस को जूनोसिस कहते हैं. सो एंथ्रोपोजूनोसिस यानी कि इंसानों में जानवरों की बीमारियां या जानवरों में इंसानों की बीमारियां भी हो सकती हैं. जैसे अक्सर आपने देखा है कि पागल कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है, ये तो सभी को पता है. पागल जानवरों के काटने से भी रेबीज हो सकता है. जहां पानी का सीवियर डर लगने लगता है इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं. टीका भी लगाना पड़ता है, वो अलग बात. मैं शॉर्ट में जस्ट आपको बता देता हूं रेबीज वायरस के बारे में. तो आपको याद रखना ये कौन सा वायरस है, तो आपको याद रखना रेप्टो वायरस, ऐसा पूछा जा सकता है. तो रेप्टो वायरस तो इसकी फैमिली का नाम है.
लेकिन इसका कुल कौन सा है, जीनस कौन सा है, तो आपको याद रखना है लिसा वायरस। लिसा वायरस एक छोटे वायरस का समूह है और ये एनवलप्ड वायरल है जिसपे कवरिंग रहती है और इसका शेप कैसा होता है, बुलेट शेप, गोली की शेप में ये वायरस रहता है, तो इसलिए इसको बुलेट राजा भी कह सकते हो। तो बुलेट शेप वायरस कौन सा, रेप्डो वायरस कौन सा, तो आपको बताना रेबीज, हाइड्रोफोबिया और इन्फेक्टेड एनिमल की बाइट से ये बीमारी इंसानों में आ जाती है। तो प्राइमरी रिजर्वायर तो मैमल से स्तनधारी है, दैट कैन स्प्रेड बाई बोथ वाइल्ड एंड डोमेस्टिक, यानी कि घरेलू पालतू जो जानवर है उनके स्क्रैचेस से, बाइट से, या उनके ड्रॉपलेट्स भी अपन इनहेल करें तो भी हो सकता है, ड्रॉपलेट यानी उनके नेजोफेरिंजियल सिक्रीशंस। तो इस प्रकार से रेबीज भी हो सकता है। सो यहाँ बुलेट शेप, रेप्डो वायरस, लिसा वायरस और हाइड्रोफोबिया किस डिजीज को कहते हैं, तो आपको याद रखना रेबीज। और इसमें रेबीज के अंदर स्टिफनेस हो जाती है मसल्स की, स्पाज्म हो जाता है और मरीज की डेथ भी हो सकती है। और डेथ के बाद ब्रेन के अंदर जब हम बायोप्सी करते हैं तो वहां पर एक विशेष प्रकार की बॉडीज भी पाई जा सकती है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये है नेग्री बॉडीज। सो नेग्री बॉडीज किससे संबंधित है, तो आप कह सकते हो रेबीज। सो ये तो थे वर्म इन्फेस्टेशन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और ज्यादातर जगह आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ने को मिलेगा, लेकिन एग्जाम में आ सकता है, चाहे वो सीआरपीएफ हो, सीएचओ हो, राजस्थान या एमपी का, या फिर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, या एम्स नॉर्सेट भी क्यों ना हो, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से आप हमारे साथ सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।